अमिषा जी लेफ्ट में लेफ्ट बोल रहा हूँ ना मैम, ये सेंटर या अमिषा के राइट में। अमिषा जी बोलो। अमिषा जी आप सुन रहे सबको ना? अमिषा के राइट में। अमिषा जी बोलो। अमिषा जी आप सुन रहे सबको ना? अमिषा जी मैम ये सेंटर या एक्साइटमेंट मुझे बहुत है कि गदर जैसी कलोसल हिट जो इंडस्ट्री की अब तक सबसे बड़ी हिट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट रही है। आप इजाजत दो तो, आप इजाजत दो तो। सॉरी मैम, उत्तर भारत बिहार यूपी से जुड़ा है, आपने कितना उम्र कुछ लहजा को अपनाया? मुझे गाइस यार 2013 के बाद 2016 तीन साल का गैप क्या कुछ खास वजह रही है 2016? अगर आप अकलमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाते कि एक तो प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसमें टाइम गया, दो दो फिल्में की शूटिंग प्रोड्यूसर के दौरान भी और ये भैया जी की शूटिंग भी, दोनों देसी मैजिक, तो टाइम तो लगेगा ही। तो एक प्रोड्यूसर को अगर एक प्रोड्यूसर बनना है एक एक्टर को, तो थोड़ा सा अपने आप को निकालना पड़ता है फिल्मों से और अपने प्रोडक्शन हाउस पे ध्यान देना पड़ता है, तो टाइम तो लगता ही है ना। थैंक यू।